आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो फेशियल योगा के बारे में डिस्कस करेंगे। योगा का स्किन केयर में बहुत बड़ा रोल है और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेशियल योगा के बेनिफिट्स के बारे में। फेशियल योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारी स्किन के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सेकंड, हमारे डबल चिन जो फैट डिपोजिशन की वजह से और एज बढ़ने की वजह से हमारे फेस पे जो डबल चिन आ जाती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम फेशियल योगा से। सेकंड, हमारी जॉ लाइन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा फेस योगा से हमारे फोरहेड जो रिंकल्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव हो सकता है फेशियल योगा से। अंडर आइज पे डार्क सर्कल जो हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट हैं और इसको राइट डायरेक्शन में राइट एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना बहुत ज़रूरी है। फेशियल योगा को अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, रेगुलर करें, तो हम एक यूथफुल और अट्रैक्टिव फेस पा सकते हैं। इसको रेगुलर करें और साथ में नाइट में करें तो और अच्छा है, और अगर मॉर्निंग में भी कर सकते हैं इस फेशियल योगा को। साथ में फेशियल योगा से जो एक और बेनिफिट मिलता है वो ये कि हमारे स्किन का टेक्सचर इन्हांस होता है। योगा के लिए जो भी हम अगर कुछ ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा ऑयल अगर फेशियल योगा करते टाइम हमें यूज़ करना है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक तो डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को और हमारी स्किन का सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो फेशियल योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसको प्रॉपर आप करें और इसके डिफरेंट टेक्निक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से उठा सकते हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि हम कितने भी एफर्ट बाहर से कॉस्मेटिक यूज़ कर लें, कितने भी महंगे से महंगे ट्रीटमेंट यूज़ कर लें, लेकिन अगर हमारे थॉट्स अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा डल डिप्रेस हैं, तो हमारा स्किन, हमारा फेस कभी भी अट्रैक्टिव और सुंदर नहीं देख सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। हर चीज़ पे स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा सा लेट इट बी भी रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम अगर चलते हैं तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे चेहरे पे भी नज़र आता है। और इसके लिए किसी ट्रीटमेंट और किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। हमारा फेस अपने आप सुंदर और हमारी स्किन अपने आप रेडियंट और ग्लोइंग हो जाती है। तो आई होप ये एडवाइस भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। Stay healthy, stay happy.